अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ पौधा है, आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये दो कलर्स में आता है, एक तो ब्लू कलर और एक वाइट कलर। बहुत ही कम केयर में बहुत आसानी से चलता है, बस इसे 4-5 घंटे की अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए और अच्छी तरीके से इसकी मिट्टी तैयार होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो आप इसे सरसों खली दे सकते हैं, लगभग 10 से 14 इंच के गमले में 1 मुट्ठी के लगभग। आप इसे सरसों खली ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं या तो आप इसे घोल के भी दे सकते हैं। इसकी फुल केयर पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके फूल जो हैं भगवान शंकर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। ये सिंगल पेटल में भी आता है, डबल पेटल में भी आता है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है अगर आप थोड़ा सा ख्याल रख लें तो। फ्लावरिंग में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इसे सरसों खली ज़रूर दीजिए, बहुत ही इसके लिए कारगर होती है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, जैसा कि आप मेरे प्लांट में अभी देख रहे हैं। और मेरे पास इसके 2 कलर्स हैं, बट सिंगल पेटल के हैं, डबल पेटल के नहीं हैं। वाइट कलर भी इसका बहुत ही अच्छा लगता है। पॉट की साइज़ की अगर बात की जाए तो 10 से 14 इंच का पॉट या आप उससे बड़ा पॉट भी ले सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इस पौधे में कीड़े वगैरह बहुत ही ना के बराबर लगते हैं और ये पौधा कटिंग से भी बहुत ही आराम से उग जाता है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में शेयर भी किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।